मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स। कहानी है 2018 की, जहां राजद की एक नेत्री अपने पति को खाने में जहर परोस के देती है। लेकिन गनीमत देखिए कि खाना खाने से पहले ही बेटी आती है और अपने पिता को कहती है कि पिताजी आप ये खाना नहीं खाइए, इसमें कुछ मिलाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर की महिला जिलाध्यक्ष और राजद की नेत्री निशु सिंह की। जी हाँ, 2018 में ये मामला निकलकर सामने आया था, जहां पर उनके पति ने थाने में ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी पत्नी उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, खाने में जहर मिला के दी है। हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन उन्हें शिकायत दर्ज कराई। लेकिन आज जाकर रिजल्ट सामने आया है, क्योंकि उस महिला नेत्री निशु सिंह की आज गिरफ्तारी हो गई है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस उन्हें ले जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले पर जो उनके पति है वो क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी कहानी को जो 2018 में घटी थी वो पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं, आप खुद उनसे सुनिए। मैं एक रात खाना बना था, जब हमको खाने के लिए दी तब तक आके मेरी बेटी बताई कि पापा इसमें कुछ मिलाया है, सो मत खाइए। तो हम छोड़ दिए खाना और थाना को खबर किए। थाना आकर के वो ले गया, जांच में भेज दिया। फिर हम उसको पूछे कि उसमें क्या था, तो बोला कि बेंडी प्लस जोंक का दवाई था, उसी को पीस के मिलाया था, उसका वीडियो है मेरे पास। तो हम बोले ठीक है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में सेल्फोस आया। उसके बाद इसको अरेस्ट करके ले गया था 20 नवंबर 2019 को, लेकिन अपने पहुंच से उस समय के DIG जो थे उनके कहने पर छोड़ दिया। तो फिर हम मिले थे DSP साहब से भी, तो उन्होंने कहा क्या करें, हमारे लिए कानून से ऊपर होता है DIG का आदेश। और तब से 2 साल तक यूं ही पड़ा रहा और हम लोग बहुत पीड़ित और प्रताड़ित थे। इतना भय और आतंक में जीते थे ना, हम तो फेसबुक नहीं चलाते हैं, लेकिन लोग कहते थे बहुत बैड एलिमेंट सब बड़े बड़े दबंग लोगों के सानिध्य में है, कभी भी कोई घटना करवा सकती है। तो नए SP के आने के बाद हम एक दिन जा कर के मिले, अब देखे आज हम निकल रहे थे तो देखे पुलिस आई ले गई पकड़। क्यों मानना चाह रहा था आपको? बहुत दबंग लेडी थी, घर में बगल में मैके है, सारे लोग आकर के मेरे ही घर में रहते थे। साला जो इसका भाई भी था ना, वो भी मेरे ही घर में रहता था, सारा परिवार आकर के। हम एक दिन बोले कि इस तरह नहीं चलेगा, यहाँ सब खाली करो, तुम लोग का अच्छा नहीं। वो पिता खाता था, हम लोग एक रिजनेबल फैमिली से थे, मेरे दादा भी मंत्री थे, तभी से हम लोगों में खटपट चलने लगा मन मुठाव। लेकिन इतना दूर तक सोच लेगी कि हम कभी सपनों में नहीं सोचे थे। जांच आने से पहले तक हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद कुछ मौलवी से पढ़ा के लिया हो, लेकिन जब जाँच रिपोर्ट आया तब जान के लगा कि कितना खतरनाक था, ये सेल्फोस था। कितना खुश है गिरफ्तार? खुश क्या रहेंगे, एक मजबूरी है, विडंबना है। क्या चाहते हैं आप? कि ये का सजा मिले। दो दो बच्चे हैं हमारे जिसको हम 5 साल से अकेले रखते हैं। बेटा माउंटेन सीसी में पढ़ता था, बेटी कारमेल में। दोनों अब 5 साल से मेरे ही पास रहता है, हम ही उसका माँ है, हम ही उसका बाप है। तो आपने सुना कि उनके पति जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि अभी निशु सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जरा सोचिए कि वो कहावत नहीं है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हाँ, ये कहानी निशु सिंह पर सटीक बैठती है, क्योंकि वो एक महिला नेत्री है, जहाँ एक तरफ महिला सशक्तिकरण और महिला मोर्चा की संभालने की बात होती है कि राजनीति में अगर कोई महिला प्रवेश करती है तो पूरे समाज को देखा जाता है कि वो महिला को लीड करेंगी, वही ये मिसलीड कर रही हैं। जी हाँ, ये अपने पति को जहर दे के मारने की कोशिश की है, और अभी हालांकि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे इस केस में जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपको उसे जरूर अपडेट करेंगे। आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।